नमस्कार इंडिया बस की खास पेशकश रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला, और पहली खबर होगी संसद की, जहां पर संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। लेकिन संसद के सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष ने जमकर हल्ला बोला। विपक्ष ने अडानी और जेपीसी की मांग को लेकर सरकार पर हमला बोला। बता रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। संसद के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामे के भेंट चढ़ गया। अडानी और जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष जहां एकमुश्त होकर प्रदर्शन करते दिखा, तो दूसरी तरफ बीजेपी राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों को लेकर लगातार हमलावर दिखी। वहीं बता दें कि आज जब संसद का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ, इसके बाद 18 विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने एक साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ लोकतंत्र की बात करती है, लोकतंत्र की बीजेपी ही धज्जियां उड़ाती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अडानी के मुद्दे को लेकर सदन में आखिर चर्चा क्यों नहीं की, क्यों आखिर अडानी के मुद्दे को लेकर बीजेपी डर रही है। जब बीजेपी के सांसद 3 सालों के लिए सजा पाते हैं, उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाती, लेकिन राहुल गांधी की सजा पाने के जस्ट एक दिन बाद संसद की सदस्यता खत्म कर दी जाती है। वहीं सूत्रों की माने तो एक और खबर सामने आ रही है कि विपक्षी पार्टियों ने स्पीकर के द्वारा चाय को भी बहिष्कार कर दिया है। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। और इधर संसद का आखिरी दिन फिर हंगामे की भेंट चढ़ा। संसद में जमकर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, मार्च किया। बता रही मेरे सहयोगी जूही। संसद बजट सत्र का अंतिम दिन भी आज हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आया। लगातार कई दिनों से हो रहे सदन की कार्रवाई में पक्ष विपक्ष के हंगामे के चलते अनिश्चितकाल के लिए जो है सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सदस्य आसन के पास जाकर नारेबाजी करने लगे और जेपीसी की मांग करने लगे। उनके हाथों में अपनी मांग लिखी तख्तियां भी थी। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी सदस्यों के व्यवहार ने सदन की गरिमा को कम किया है और उन्होंने व्यवस्थित रूप से कार्रवाई बाधित की है। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार संसदीय प्रणाली के खिलाफ है और सदन या देश की गरिमा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने स्पीकर की दलीलों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और अपना विरोध जारी रखा। ऐसे में अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने समापन भाषण को पूरा करने के बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि 13 मार्च से शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा एवं राज्यसभा में बार बार व्यवधान पैदा हुआ, जहां एक तरफ विपक्ष जो है अडानी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष जो है राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर विपक्ष पर लगातार हमलावर है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। उधर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद सत्येंद्र जैन को फिर से झटका लगा है। बताने से होगी नितिन चौधरी। आम आदमी पार्टी को झटके पे झटका लग रहा है। पहले सत्येंद्र जैन जेल में, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी जेल में रहना हो रहा है। बता दें कि आज सत्येंद्र जैन की याचिका पे सुनवाई होनी थी, कोर्ट से उन्हें भी निराश होना पड़ा। जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जेल के अंदर हैं, तो उसी के बाद आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी और सीबीआई के घोटाले में जो है जेल के अंदर बंद कर रखा है। दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले साल मई से जेल में बंद सत्येंद्र जैन की जमानत पर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस केस से सह आरोपी विवेक जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर खारिज कर दी है। आप नेता को ऐसे समय पर निराश मिल रही है जब एक दिन पहले ही शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को 17 अप्रैल तक न्याय हिरासत में भेजा दिया गया है। इसके बाद उन्होंने भी हाईकोर्ट का रुख किया है। जैन पर 4 कंपनियां के जरिए धन शोधन करने का आरोप है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि निचली अदालत ने के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले में कोई आवधित या कोई खमी नहीं है। निचली अदालत के पिछले साल 17 नवंबर को सुनाए गए आदेश को तीनों आरोपियों को चुनौती दे दी थी। उच्च न्यायालय ने जाँच एजेंसी और आप नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को पिछले साल 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब से वहां तिहाड़ जेल में बंद है। जेल से उनके मसाज वीडियो सामने आने पर विवाद हो चुका है।
जैन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के बेहद तकरीबन मंत्री रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी बताया जाता है। वहीं इस साल 26 फरवरी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में बंद होने के बावजूद भी करीब 9 महीने तक मंत्री पद रहा। सत्येंद्र जैन से सिसोदिया को जेल जाने के बाद इस्तीफा ले लिया गया था। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन होने के बाद केजरीवाल कैबिनेट में फेरबदल भी किया गया था। आप नेता आतिशी मौलाना ने और सौरभ भारद्वाज को दिल्ली सरकार में मंत्री बनाया गया था। आज सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन दोनों नेताओं को निराश होना पड़ा। जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की सुनवाई की जा रही थी तो उसमें जो उनको जमानत नहीं मिली, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उनको भी आज जमानत नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को झटके पे झटका लग रहा है, आखिरकार आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कोर्ट पे विश्वास रखती है? कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेल्थ एटीएम मशीन का शुभारंभ किया। ये हेल्थ एटीएम मशीन स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। बता रहे हमारे सहयोगी अभय केंतुरा। पुष्कर सिंह धामी आज हेल्थ एटीएम मशीनों का शुभारंभ कर चुके हैं। सचिवालय में शुभारंभ हुआ। ये हेल्थ एटीएम मशीनें उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य के सेवाओं के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगी, क्योंकि चारधाम यात्रा मार्गों पर भी ये मशीन लगाई जाएंगी, ताकि यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं या जो स्थानीय लोग हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके, वो अपने स्वास्थ्य की पूरी जानकारी ले सके। हमारे साथ हैं अश्विन पाठक जी, उनसे बातचीत करते हैं किस प्रकार से ये मशीनें काम करेंगी, क्या कुछ इसमें टेस्ट होगा। सर, ये इसको हम एचपॉट क्योस बोलते हैं और हेल्थ एटीएम मशीन भी इसको बोल सकते हैं। और इसमें आपको इस सामने ये बैठने के लिए सीट बना हुआ है, इस पर आपको बैठना है और विद इन 5 मिनट आपको 20+ पैरामीटर टेस्ट आप कर सकते हैं, लाइक नॉन इन्वेसिव टेस्ट, लाइक ECG, BMC, वेट एंड BMI, BP, SpO2 एंड टेम्परेचर। ये सारा टेस्ट आप विद इन 5 मिनट आप कर सकते हैं। और आपको जब रिपोर्ट मिलेगा तो यहाँ पे एक टेलीमेड ऑप्शन है जिसके थ्रू आप डॉक्टर के थ्रू आप बात कर सकते हैं कि सर मैंने अपना BP टेस्ट कराया और हमारा BP हाई एंड लो आ रहा है या जो भी आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वीडियो कॉल के थ्रू आपको सजेस्ट करेंगे, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं उनसे और बात कर सकते हैं आप सर। इसके अलावा सीधे तो जैसे आप दूरस्थ क्षेत्रों में मशीन जाएंगे यात्रा मार्गों पर, लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती कि कैसा ऑपरेट करना है या कंप्यूटर, उनके लिए हमारे पास टेक्निकल पर्सन, लाइक मैं टेक्निकल पर्सन हूँ, सो मैं जहाँ पे मशीन इंस्टॉल होती है वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके ही मैं मशीन इंस्टॉल करता हूँ। किस रूप में कितना लाभ ले पाएंगे लोग इन मशीनों के जो टेस्ट? सर बेसिकली देखा जाए जैसे कुछ ऐसे रूरल क्षेत्र हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है या PSC या कुछ ऐसे जैसे बने हुए हैं, तो वहाँ पे आप इस मशीन को इंस्टॉल करके, और ये सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन है, आपको यहाँ पे पिक्चर के थ्रू सारा कुछ आपको शो करता रहेगा कि आपको कैसे हैंडल होल्ड करना है, कैसे आपको बैठना है, ये सारा कुछ, और ये सेल्फ ऑपरेट आप कर सकते हैं। थैंक यू। ये दर्शन पाठक जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ये हेल्थ एटीएम मशीन है इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, बाकायदा ऑपरेटिंग मशीन है कि आदमी यहाँ लगाया जाएगा और लोग अपने स्वास्थ्य की पूरी जानकारी ले पाएंगे, जो भी टेस्ट होंगे उसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर मिल पाएगी और डॉक्टर के टेलीमेडिसिन के माध्यम से अपने डॉक्टर से भी वो संपर्क कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कैमरामैन हसनलाल साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। भारतीय जनता पार्टी देश भर में अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ज्यादा जानकारी देने हमारे सहयोगी अभय केतुरा। बीजेपी को स्थापित हुए 43 साल पूरे हो चुके हैं। बीजेपी अपने स्थापना दिवस पर आज पूरे देश भर में सभी राज्यों में बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने अपने स्थापना दिवस पर बूथ स्तर तक अपने कार्यक्रम आयोजित किए। प्रधानमंत्री का जो संदेश था, प्रधानमंत्री जो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया हो, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सुनाने का काम पार्टी स्तर पर किया गया। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने इस स्थापना दिवस पर नए संकल्प लेने का काम यहां पर किया, ताकि आगामी चुनाव का जो लक्ष्य पार्टी के सामने, उस लक्ष्य को बड़े अंतर से जीता जा सके, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। बीजेपी चाहती है कि जो दुनिया की नंबर एक बड़ी पार्टी इस समय बनी है वो आगे भी निरंतर बनी रहे और जो मौजूदा सरकार की जो नीतियाँ हैं उन नीतियों से आम जनता लाभान्वित हो सके, विकास की योजना ग्राम अंतर पहुंच सके, उसके लिए पार्टी कार्यकर्ता अभी से कमर कस ले और नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ सके। कैमरामैन हसनलाल साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। उधर जौनपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 43वां स्थापना दिवस मनाया गया और कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आए। बता रहे हमारे सहयोगी, जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना 44वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। आपको बता दें कि भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने वर्चुअल संवाद जो है किया है, तो वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद को सुना। जौनपुर में तमाम अलग अलग स्थानों पर जो है भाजपा नेताओं ने टीवी स्क्रीन लगाकर पीएम मोदी के संवाद सुनते हुए दिखाई दिए।
वहीं पीएम मोदी ने जो है तमाम जो है मुद्दों पर चर्चा की। 2024 के चुनाव को लेकर भी जो है संवाद में जिक्र किया गया। आज हनुमान जयंती का भी पीएम मोदी ने जिक्र किया है। वहीं बीजेपी नेता रुपेश जायसवाल और भाजपा नेत्री कुसुम जायसवाल के नेतृत्व में जो है बीजेपी नेता जो है पीएम मोदी के संवाद को सुना और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा नेता रुपेश जायसवाल ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के तहत बीजेपी जो है 2024 में फतेह करने जा रही है। और भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील अग्रही टप्पू ने भी झंडारोहण किया है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। इधर अमरोहा में गेहूं में निकालने की मशीन में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई और हड़कंप मच गया। बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में गेहूं निकालने की मशीन में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद वहां पर क्षेत्र में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। वहीं आनंद फानंद में पहुंचे लोगों ने महिला के शव को बामुश्किल मशीन से बाहर निकाला। लगभग आधा शव महिला का मशीन में कट चुका था। पूरा मामला अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव कोकापुर का है, जहां पर महिला गेहूं निकालने की मशीन में गेहूं की पुली को लगा रही थी, जिसके चलते महिला का रुपट्टा उसमें आ गया, जिसके बाद महिला मशीन में चली गई, जिसके चलते महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं परिजनों की सहमति के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम नहीं कराया, परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला के शव का सुपुर्दे खाक कर दिया। कैमरामैन मुनीर सहमत के साथ मोहम्मद इमरान, इंडिया वॉइस, अमरोहा। उधर सिद्धार्थनगर में 43.3 वर्ग मीटर गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग की गई। इस दौरान जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। बता रहे हमारे सहयोगी राकेश यादव। नगर जिले के विकास खंड उसका के मदनपुर गांव में जिला अधिकारी संजू रंजन पहुंचे और गेहूं के खेत में जो है क्राफ्ट कटिंग करवाई, जिसके उपज उसमें 11 किलो 400 ग्राम निकले, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि जो है गेहूं की क्राफ्ट कटिंग कराई जाती है, जिससे गेहूं की पैदावार की पता चल सके। अब उन्होंने क्राफ्ट कटिंग मदनपुर गांव में करवाई, जिसमें उपज निकली 11 किलो 400 ग्राम। उन्होंने कहा कि गेहूं में नमी होने की वजह से उपज कम हुई है, लेकिन फिलहाल इतना अच्छा हुआ है फसल। अब किसानों को इसलिए बताया कि जो है इनकी पैदावार कैसे बढ़ाई जाती है। वहां कृषि अधिकारी भी मौजूद रहे और भी वहां जो है कृषि विभाग से संबंधित अधिकारी लोगों को, किसानों को बताया गया कि किस तरह से उनकी गेहूं की फसल की उपज बढ़े, उसके बारे में जानकारी भी दी गई। वहीं क्रॉप कटिंग के माध्यम से गेहूं की पैदावार की पता चलता है, जिलाधिकारी ने बताया। अब ऐसे में क्रॉप कटिंग करवाया जाता है, जिससे गेहूं की पैदावार पता चल सके। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। उधर भोजपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, 9 डकैतों को गिरफ्तार किया गया है। बता रही हमारे सहयोगी नेहा गुप्ता। सफलता हासिल हुई है। बता दें कि डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें भोजपुर पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है कि 3 खोखा, 2 देसी कट्टा और 1 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। भोजपुर SP प्रमोद कुमार यादव द्वारा जानकारी दी गई है कि जिस तरह से भोजपुर जिले के कोइलबर थाना क्षेत्र के कमालू चक दियारा में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है, जिसमें भोजपुर SP द्वारा जानकारी दी गई है कि भोजपुर पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें 9 अपराधियों को गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा जानकारी मिली है कि रात का अंधेरे का फायदा उठाकर अन्य जो भागने में कामयाब हुए हैं। वहीं जानकारी दी गई है कि 20 से 25 लोग जो संयंत्र रच रहे थे, डकैती की घटना को संयंत्र रच रहे थे, इसी दरमियान भोजपुर SP को सूचना मिली, जिसके बाद भोजपुर SP ने ASP हिमांशु के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें ASP हिमांशु के नेतृत्व में कोइलबर थाना अध्यक्ष DIU की टीम शामिल थी, जिसमें छापेमारी में भोजपुर पुलिस को सफलता मिली है। 9 अपराधियों को गिरफ्तारी की गई है, जिसमें जिंदा कारतूस सहित खोखा और पिस्टल भी बरामद किया गया है। यह भोजपुर पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है कि बड़ी सफलता है। इसके अलावा अन्य घटनाओं में भी शामिल होने जो हैं अपराधी, उनके लिए छापेमारी जारी है। साथ ही भोजपुर SP द्वारा इस बात की जानकारी SP कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर, आरा से। इधर यूपी के रायबरेली में पुलिस की शह पर कच्ची शराब का कारोबार जमकर फल फूल रहा है, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बता रहे राजू तिवारी। अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए भले ही सत्तासीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा निर्देश व आदेश जिम्मेदारों को दिए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर रायबरेली जिले में नहीं देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, ताजा मामला रायबरेली जिले के भदोखर थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां पर
अवैध शराब के कारोबारियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के भदोखर थाना क्षेत्र का है और ये थाना क्षेत्र मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी का है, जहां पर अवैध शराब के कारोबारियों का बिजनेस फल फूल रहा है। वह अवैध व्यवसायी जो है इसको अपना कारोबार बना चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि इस कारनामे से क्षेत्र के जो युवा हैं वो लगभग प्रभावित हो रहे हैं और लगातार वो शराब के आदि होते दिखाई पड़ रहे हैं और लोगों में जो चर्चा का विषय है, कहीं ये अवैध काले कारोबार का जो धंधा है शराब का, इससे कहीं बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। आपको बता दें हाल में ही बछरावा थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि घर के अंदर किस तरह से औरतें और बच्चे अवैध शराब का कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और शराब बनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद इस तरह का वीडियो भदोखर थाना क्षेत्र में वायरल हुआ है और क्षेत्र में जमकर पुलिस की और आबकारी विभाग की किरकिरी हो रही है। आपको बता दें कि इसमें कहीं ना कहीं ये पुलिस की कलाई खोलने के लिए पर्याप्त है कि पुलिस की निष्क्रियता किस तरह से उजागर हो रही है और अवैध कारोबार का धंधा फल फूल रहा है। आपको बता दें कि इस तरह का मामला लगातार सामने आने के बाद भी आबकारी विभाग की कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही है और स्थानीय पुलिस प्रशासन की भी बात करें तो लोगों में ये सुनने को मिल रहा है, लोगों से जगह जगह पर बातें हो रही है कि स्थानीय पुलिस की मिली भगत से ऐसे कारोबार फल फूल रहे हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। उधर बिजनौर के नगीना में व्यापारी की अतजली लाश मिलने से हड़कंप फैल गया, जिसके बाद अतजली लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बता रहे हमारे सहयोगी जहीर अहमद। बिजनौर के नगीना में एक व्यापारी की आज अधजली लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। लाश मिलने से पुलिस विभाग के आला अफसर भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गए। मृतक की पत्नी ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसके पति बलराज चौहान की हत्या उसके ही गाँव के रहने वाले दो भाइयों ने किसी के साथ मिलकर के की है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर उन दोनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जो मृतक है बलराज चौहान, उसने गांव के ही रहने वाले एक शख्स को एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में कुछ दिन पहले देख लिया था। इसी के चलते आरोपी ने हत्या करने की धमकी दी थी और आज उसने हत्या करके शव को एक जलाने का प्रयास किया और पेड़ के नीचे फेंक कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच कर कार्रवाई की बात की जा रही है। जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है बेसब्री से और पूरे मामले के जल्द खुलासा करने की बात की जा रही है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। इधर हापुड़ में युवती को डरा धमका कर रेप का मामला सामने आया। इधर आरोपी ने युवती की तस्वीरें भी वायरल कर दी हैं। बता रहे हमारे सहयोगी। हापुड़ में छात्रा को डरा धमकाकर वे असली तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर 1.5 साल तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें पिलखुआ कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा हापुड़ में पढ़ने के लिए आती थी। उसकी सहेली ने अपने एक मित्र से उसकी दोस्ती करा दी। इसके बाद युवक ने धोखे से युवती को बुलाकर डरा धमकाकर युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद आरोपी युवक ने युवती की असली ने तस्वीरें खींच ली और तस्वीरों को वायरल करने के डर से डरा धमकाकर युवती के साथ पिछले 1.5 साल से लगातार दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता आ रहा था। जब पीड़िता ने परिजनों को ये बात बताई तो परिजन इस पूरी घटना क्रम को लेकर हापुड़ SP के पास पहुँचे हैं। आपको बता दें आरोपी युवक ने पीड़िता के न मिलने के चलते इन असली तस्वीरों को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने पिलखुआ कोतवाली में भी गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब हापुड़ SP अभिषेक वर्मा के यहाँ पीड़िता ने अपने परिवार के साथ में प्रार्थना पत्र दिया है और कार्रवाई करने की मांग की है। देखने वाली बात होगी कि कब तक आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और आरोपी की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। हमीरपुर के चंद्रावल में नदी में 5 साल के मासूम का तैरता हुआ शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। बता रहे हमारे सहयोगी रूपेश गुप्ता। आज हमीरपुर के मौधा क्षेत्र के चंद्रावल नदी में एक 5 वर्षीय बच्चे का नदी में शव उतराता मिला। जैसे ही पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुँचती है और पुलिस शव को बाहर गोताखोरों द्वारा बाहर निकलवाती है। इसके बाद कुछ दिन पहले वो बच्चा अपने घर वालों के साथ बाहर निकला हुआ था।
और अचानक लापता हो गया था। जैसे ही उनके परिजनों को सूचना मिलती है तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, और इसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर उस बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए हमीरपुर पोस्टमार्टम हाउस भेजती है। इंडिया वाइज से रूपेश गुप्ता, हमीरपुर। और इधर हरदोई में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपी तकरीबन एक हफ्ते पहले नाबालिग को भगा के ले गया, बता रहे हमारे सहयोगी। हरदोई में एक लव जिहाद का मामला सामने आया। आपको बता दें, सांडी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां लड़की भी नाबालिग है और लड़का भी नाबालिग है। एक सप्ताह पहले वो नाबालिग लड़का उस नाबालिग लड़की को भगा कर ले गया था, और एक सप्ताह बाद पुलिस ने लड़की को बरामद किया, और लड़के को अभी तक नहीं फिलहाल बरामद कर पाई है। और लड़की को बरामद करने के बाद जब लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए महिला आरक्षी के साथ मेडिकल कॉलेज लेके गई, वहाँ पे लड़की ने कुछ आनाकानी करी और मेडिकल नहीं हो पाया। उसके बाद महिला आरक्षी अपने निजी वाहन से उसको वापस थाने लेके आ रही थी, तो रास्ते में ही महिला आरक्षी को लड़की चकमा देकर मौके से फरार हो गई। हालांकि पुलिस लगभग 5 घंटे बाद जब बहुत ही सघन तरीके से पुलिस ने जांच पड़ताल की और उसे ढूंढा, तो लड़की हरदोई के जिले रेलवे स्टेशन के पास से लड़की को बरामद किया गया है। अभी फिलहाल लड़की पुलिस कस्टडी में है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।